गाइस टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ मार्शमेलो इन दिस सर्कल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल बनाएंगे एंड देन उसके बाद मैं ग्रिड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, तो 10x10 के यहाँ पर ग्रिड बना लेंगे। फिर हम ड्रॉ करेंगे आउटलाइन, जिसके लिए फर्स्ट पे तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे एक बॉक्स जैसी एंड उसके अंदर बनाएंगे मार्शमेलो का फेस और फिर उसके बाद बॉडी को ड्रॉ कर देंगे। देन हम आइस की ग्रिड को इरेज कर इसे हाईलाइट कर देंगे और शुरू कर देंगे आइस में कलर करना। तो सबसे पहले मैं एक लेयरिंग कर देता हूँ ब्लैक कलर से और नेवी ब्लू कलर से इसी आई में थोड़ी सी ग्लोइंग भी कर देता हूँ और रख देता हूँ वाइटनर से कुछ डॉट्स और सेम प्रोसेस से सेकेंड आई में भी कलरिंग कर लेता हूँ, बट इस पर पहले कर रहा हूँ नेवी ब्लू की लेयर एंड उसके बाद ब्लैक की लेयर। एंड देन इसके स्माइली से फेस को कर देंगे अपन हाईलाइट एंड सेम प्रोसेस से इसके मुंह में भी कलरिंग कर देंगे एंड साइड साइड में थोड़ा डार्क रखना और बीच में लाइट कलर। फिर इस मास्क की ग्रिड को अच्छे से इरेज करके इसे हाईलाइट कर देंगे और फिर जहाँ जहाँ पर शैडो है वहाँ वहाँ पर ब्लैक कर देंगे और बीच बीच पर ब्लू कलर से भी थोड़ी थोड़ी सी शाइनिंग देते जाएंगे। एंड आई यूज़ हेयर ब्लैक एंड ब्लू स्केच पेन कलर फॉर मेकिंग डॉट एंड फिर जो शेडो हमने पहले क्रिएट की थी उसी को थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे और इस शर्ट की नेक वाली लाइन को हाईलाइट करके स्टार्ट करेंगे कलरिंग करना। और नेक में कर रहा हूँ मैं लाइट ब्लू कलर और जहाँ जहाँ पर शेडो है वहाँ पर डार्क ब्लू कलर। फिर इसी के साथ अंदर की ग्रिड को मिटा कर देंगे शर्ट को हाईलाइट एंड जहाँ जहाँ पर डार्क शेडो सबसे पहले उन शेडोज को क्रिएट करेंगे। पूरी शर्ट में कर देंगे कलरिंग नेवी ब्लू से, स्काई ब्लू से एंड ब्लैक कलर से। बैकग्राउंड की ग्रिड्स को इरेज करके बैकग्राउंड में भी कलर कर देंगे। आई यूज हेयर ऑयल पेस्टल कलर्स कॉर्नर पर यूज कर रहा हूँ मैं डार्क कलर एंड जैसे जैसे अंदर को आते जाएंगे वैसे वैसे लाइट कलर का यूज करते जाएंगे। इसी के साथ कर देंगे फुल बॉडी को हाईलाइट। और वाइटनर का यूज करके लाइट्स क्रिएट कर देंगे। दिस इज द फाइनल रिजल्ट और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।